भावेश की विभिन्न भावों के साथ युति संगत संबंध किस प्रकार से बनते हैं? भावेश के विभिन्न भावों के साथ क्या संबंध होते हैं और उससे किस प्रकार से परिणाम दिए जा सकते हैं, उसके ऊपर हम आप लोगों के साथ चर्चाएं आरंभ करें। प्रथम भाव, पहले तो ये समझना चाहिए किसी भी भाव के कारक तत्व हैं और वो कारक तत्व यदि दूसरे स्थानों से जुड़ते हैं तो फिर वो क्या कहलाते हैं। प्रथम भाव क्या है और वो दूसरे भावों के साथ यदि संबंध बना रहा है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, पहले समझना चाहिए। एक भाव के अंदर छुपे हुए कारक तत्व क्या है, उससे पता लगेगा कि यदि वो दूसरे भाव के साथ जा रहा है तो क्या उसके परिणाम हो सकते हैं और हमें विशेष परिस्थितियों में भाव को किस प्रकार से देखना चाहिए। प्रथम भाव, समग्र देह समग्र शरीर उसका तन है, पूरी बॉडी एक प्रकार से प्रथम भाव से देखनी चाहिए। बॉडी के सभी पार्ट्स, बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में सभी अवयव इसी स्थान से देखने चाहिए। साथी शास्त्र कहता है खुशी प्रसन्नता हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस वो भी दोनों इसी से देखने चाहिए। यदि लगन प्रफुल्लित है, लगन के दोनों तरफ शुभ ग्रह हैं तो वो भी व्यक्ति को यहीं से देखना चाहिए। और अप्रसन्नता यदि लगन के दोनों तरफ पाप ग्रह हैं, लगन के अंदर एक पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो व्यक्ति के बारे में अप्रसन्नता भी इसी से देखनी चाहिए। जरा अवस्था, यदि व्यक्ति की जरा दो प्रकार से संबंध बनाता है, जरा एक अर्थ होता है रोग के बारे में और जरा दूसरे साथ में ये भी कहा गया उसका जो व्यक्ति की प्रौढ़ अवस्था है, बीमारी के बारे में भी न्यूनता के बारे में भी इसी से देखा जाना चाहिए। यदि लगन क्षीण है तो भी यहीं से देखा जाना चाहिए, व्यक्ति के बुढ़ापे में उसकी किस प्रकार से गति रहेगी वो भी इसी स्थान से देखना चाहिए। ज्ञान, व्यक्ति को कितने नॉलेज रहेगी, शुभ ग्रहों का संबंध यदि लगन से बन रहा हो तो शिक्षा एक अलग क्षेत्र है लेकिन ज्ञान एक अलग क्षेत्र है, वो भी लगन से देखना चाहिए। यश फेम, लगन और लग्नेश और साथ साथ सूर्य से देखना चाहिए। स्वप्न, व्यक्ति को आने वाले जो स्वप्न होते हैं वो भी इसी स्थान से देखना चाहिए। शक्ति गौरव ये दोनों भी इसी स्थान से देखना चाहिए। राज्य और राजनीतिक जीवन शांति ये भी इसी स्थान से देखना, अर्थात लगन से भिन्न प्रकार की चीजों को देखा जा सकता है। कई बार आप ये देखिए कि दसवें स्थान का संबंध भले ही ना भी बन रहा हो लेकिन लगन अपने आप में इतना बलवान हो तो व्यक्ति को राज्याभिषेक भी मिल जाती है। एक ग्रंथ में तो यह भी लिखा है कि आयु भी लगन स्थान से देखनी चाहिए। यदि अष्टम स्थान में शुभ ग्रह भी विद्यमान है किंतु लगन के अंदर या लगन के दोनों प्रकार दोनों खंडों के अंदर द्वितीय भाव द्वादश भाव के अंदर पाप ग्रह विद्यमान है और लगन को पाप ग्रह देख रहा हो तो ये आयु की क्षीणता का भी योग बनता है। मान सम्मान त्वचा स्किन इसी से देखना चाहिए। दूसरों को अपमान करने की मनोवृत्ति भी इसी स्थान से देखनी चाहिए। जिस व्यक्ति का लगन बहुत बलवान है सुदृढ़ है अग्नि कारक तत्वों के साथ बना हुआ है इस व्यक्ति को दूसरे लोगों के बारे में उपेक्षाएं करना कटाक्ष करना भी बहुत इसको आनंद देता है। रोग से मुक्ति भी लगन स्थान से देखनी चाहिए। और लाइव स्टॉक या लाइफ स्टॉक मतलब जो जीवन में संग्रह करने वाली चीजें वो भी लगन से देखनी चाहिए, अर्थात लगन यदि बली है तो लगन से सभी प्रकार से चीजों की प्राप्ति होती है, यदि लगन निर्बल है तो कई प्रकार से उसमें समस्याएं दे सकता है। सुख दुख ज्ञान जन्म का स्थान अपीयरेंस अभिमान दूसरों के साथ जुआ खेल के जीतने की कला अर्थात रिस्क लेने की जोखिम उठाने की क्षमताएं ये सब लगन से देखी जाती है।